2024। रायगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बढ़ाए गए लॉकडाउन के समय अवधि को लेकर जिला पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गई है। अब बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर घूमते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बाहर राज्य से आने वालों को कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में आगामी 31 मई तक जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसी के मद्देनजर रायगढ़ पुलिस प्रशासन भी फिर से एक बार जनता को लॉकडाउन का पालन कराने पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के बढ़ने पर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूर्व के समान यथावत रहेगी, बल्कि इस बार पुलिस और भी सख्त होने वाली है। बेफिजूल घूमने वालों और लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों पर इस बार पुलिस सख्ती से निपटने के मूड में है और जिला पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के सोच के अनुरूप इस बार भी जिला पुलिस द्वारा सभी जगह हेल्प डेस्क पूर्व की भांति चलता रहेगा। हर जरूरतमंद को पुलिस हर संभव मदद करेगी। जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील है। सभी जगह पुलिस के जवान मौजूद हैं। बगैर ई पास और कोविड जांच के किसी को भी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। साथ ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर 2400 घंटे पुलिस के जवान मौजूद हैं। हर आने जाने वाले से पूछताछ किया जा रहा है। बगैर आवश्यक कार्य के घूमने निकले लोगों को समझाइश देकर वापस भेजा जा रहा है। साथ ही वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है। रायगढ़ जिला प्रशासन की ओर से कल आदेश निकाला गया है, जिसमें लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है कुछ रियायतें देते हुए, जिसमें 31 तारीख की रात को रात को 12 बजे तक का लॉकडाउन का प्रावधान किया गया है। कुछ सेवाएं पूर्व आदेश की तरह ही अनुरत रूप से जारी रहेगी। इसमें कुछ चीज़ों को छूट दी गई है, जिसमें खासकर जो रिपेयरिंग की जो दुकानें हैं, मोटर व्हीकल की जो रिपेयरिंग की जगह है, टायर दुकान है, उनको एक निर्धारित समय अवधि तक खोलने हेतु आदेशित किया गया है। दूसरा, जो वेंडर्स जो होते थे, स्ट्रीट वेंडर्स, जिनके माध्यम से फल सब्जी और किराना का जो सामान जो लोग बेचते थे, उसके समय अवधि बढ़ा के 4 बजे किया गया है। और कुछ ऐसे चीज़ों में रियायत दी गई है, खासकर कृषि उपकरण से संबंधित और बीज से संबंधित चीज़ों को इसमें थोड़ा छूट दिया गया है, उसके लिए भी समय अवधि निर्धारित की गई है। संडे के दिन को कंप्लीट लॉकडाउन हेतु आदेशित किया गया है और इस पर से पूर्व की तरह ही सभी जगह हमने बल लगाया हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि अभी संख्याएँ जो भी संक्रमण की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया और जो माइंस एरिया है वहाँ भी संख्या कुछ ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे अलग से प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कराया जा रहा है। हमारा हेल्पिंग जो डेस्क बना हुआ है, जिसमें राशन के साथ साथ अन्य जो चीज़ों का जो पब्लिक के तरफ से जो डिमांड होती है या उनके तरफ से जो आग्रह किया जाता है, कोशिश की जा रही है कि समय अवधि में उनको पूरा किया जा सके। इसके लिए अलग से ही एक डेडिकेटेड टीम बना के रखी गई है। एक राजपत्रित अधिकारी इसके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारा कोशिश ये रहेगा कि सभी जो जरूरतमंद हैं उनको समय पे सुविधाएं मिल सके, खासकर ऐसे सुविधाएं जिसमें उनके पास राशन के लिए फ़ोन आता है या किसी को हॉस्पिटल के लिए फ़ोन आता है या किसी किसी को ये रहता है कि आसपास में नियरेस्ट में कोई एम्बुलेंस या फिर अस्पताल की कोई सुविधा है क्या। इसके लिए भी हम लोग हेल्थ विभाग से कॉर्डिनेट करके और सामान्य प्रशासन से कॉर्डिनेट करके उनको मुहैया करा रहे हैं। इसमें आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही अपील है कि शासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन जो जारी किया जा रहा है उसको अक्षरशः पालन किया जाए और सिर्फ प्रशासन और पुलिस और हेल्थ विभाग के माध्यम से ही अगर हम सोचे कि संक्रमण रुक जाएगा तो यह संभव नहीं है। इसमें पब्लिक को भी कोशिश करना पड़ेगा कि जो छूट प्रदान की गई है वो अत्यावश्यक सेवाओं के लिए की गई है, ताकि आपके कोई ज़रूरत की चीज़ें छूटे नहीं। और सामान्य भी परिस्थितियाँ अभी भी प्रतिकूल है और संक्रमण का जो दौर है अभी भी लगातार गुजर रहा है। अभी देखने में ये आया है कि पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा जो संक्रमण है और जो पॉजिटिव जो रेट है और डेथ रेट है वो रायगढ़ का ही है, इसलिए अभी हमको और बच के रहना है और जो भी गाइडलाइन जो जारी किया जा रहा है उसको 100% पालन करना है। थैंक यू। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।